तो जिन लड़कों का नाम मैं ले रहा हूँ आप प्लीज खड़े हो जाएं। रोहनप्रीत इंदी शहजादा एंड तेरा। यार आप लोगों का शहनाज के साथ तो कोई भी कनेक्शन नहीं बना, ना ही घर की बाकी लड़कियों के साथ आपका कोई कनेक्शन बना है ना। पर इस शो का जो बेस है ना वो है प्यार। आपके पीछे भी बड़ा बड़ा लिखा है लव। और जब किसी का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, वो इंसान आउट होता है। तो आप लोगों की जगह भी बाहर ही है। आप लोग अभी के अभी घर छोड़कर जा सकते हैं। खुश हो? मजाक है ये। दरवाजा खोलिए प्लीज। लीव द शो राइट नाउ। शहनाज, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चार लड़के आउट हुए हैं उसकी वजह सिर्फ आप हो, क्योंकि आपका और इन लड़कों का कोई भी कनेक्शन बन नहीं सका था, राइट? सो दिस इज व्हाई दे आर आउट। ठीक है। शो का नाम क्या है शहनाज? मुझसे शादी करोगी। करेक्ट। कनेक्शन था इनमें से किसी का आपसे? वैसा कनेक्शन तो इनके साथ भी नहीं है, किसी के नहीं, साथ नहीं था ना। वैसे ये कहना चाहती हो ना, तो वो गए। तुम्हें मजाक लग रहा है? मजाक नहीं है। इट्स ओके। इट्स ओके। आपको शहनाज कुछ और टाइम मिलेगा ताकि आप किसी भी और लड़के के साथ कनेक्शन बना सके। और मैं जाने से पहले एक प्रॉमिस सबसे करके जाता हूँ, जब ये शो खत्म होगा ना तो किसी ना किसी की सगाई तो होगी 100%। तो सबको ऑल द बेस्ट, और मैं आप लोगों से अगले हफ्ते मिलूंगा। ओके, सेम टाइम सेम शो, मुझसे शादी करोगे पर। सी यू गाइस, प्ले वेल। आपको आईबी का नाम लेना चाहिए था, जब आपको पता है कि मेरा इतना अच्छा कनेक्शन है, आपको आईबी का नाम लेना चाहिए। तुम फिर से मेरे और पारस की लड़ाई मत कराओ। मैं नहीं करवा रही, इसलिए मैं पारस को नहीं बोल रही, मैं सीधा आपको बोल रही हूं। आपको तुम मेरे और पारस की लड़ाई करा रही होगी। ये रख दो दूर मेरे को, तुम्हारी राय मैंने मांगी, वो तो दो लड़कियों ने दे दिया था। तेरा भी कनेक्शन था, तू भी किसी और को बचा सकती। नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है पारस के अलावा। ठीक है, नहीं वो मेरा दोस्त था यार, मैं दोस्ती निभा रही थी हाउसमेट्स की तरह ही। मुझे 10 दोस्त ले आओ और एक पारस ले आओ, मैं पारस को ही चुनूंगी। और तू अभी मेरे और पारस की लड़ाई इस पे मत कराना। ये स्टैंड लिया था शहजादे ने। आई नो यू कुड हैव सेव्ड हिम। यू कुड हैव आल्सो टेक शहबाज नेम ना, सबको एक-एक नाम। शहबाज तो सेफ ही है, शहबाज तो आया है उसकी बहन के। बट वो शहजादे के लिए नहीं आई ना, वो आई पारस के लिए। ठीक है, बट मेरी तू तो लेने वाली थी पारस का नाम, तो पारस तो कहीं जाने वाला ही नहीं। पारस ने इतना चिल्ला के मेरा ऐसा तो नहीं था ना कि एक बात बताओ। यू डोंट नो व्हेन व्हेन पारस टुक माय स्टैंड। लव कनेक्शन की बात ही नहीं की ना उन्होंने। यू डोंट नो व्हेन पारस टुक माय स्टैंड। लव कनेक्शन की बात नहीं, कनेक्शन की बात नहीं। आई विल टेल यू, उन्होंने कनेक्शन की बात की, कनेक्शन विद ब्रदर विद सिस्टर विद। शी डिड नॉट सेड पॉजिटिव कनेक्शन, दे सेड कि तुम्हारा कनेक्शन पॉजिटिव भी कनेक्शन। तो इनका क्या है? एक सेकंड, मैं उससे बात कर रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं। नाउ दिस आई एम टॉकिंग टू हर। एक सेकंड, आई टेल यू, आई वुड रियली से शट योर माउथ समटाइम्स। यू शट योर माउथ। या यू वुड शट योर माउथ। मैं उससे बात करती हूं, अगर वो पॉइंट उठाऊं। क्या सेंसिटिव? लेकिन मैं उठाऊं, बोल दे। मैं उठाने पे आई ना, बोल बोल। पॉइंट्स उठाऊं ना आपके, बोल। अभी टाइम नहीं है। तो है ही नहीं, तो फिर मुंह बंद रखना। टॉपिक ही नहीं है। गली निकल पतली गली से, ऐसे मत कर यार। निकल निकल, कौन निकलेगा वो भी तेरे को निकलेगा, समझी? उसने जो मेरे पे एलिगेशंस लगाए हैं ना, वो बहुत गलत लगाए हैं, क्योंकि मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया था। एज अ फ्रेंड कह लो या कुछ भी कह लो, मैंने उसको सब बता दिया था। उसके बाद आप मुझे कैसे बोल सकते हो? जब मैंने आपको बता ही दिया, तो उसके बाद चार लोगों के बीच में मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हो? उस चीज़ का मुझे गुस्सा था। मैं कह रही हूँ अच्छा मत बोलो, लेकिन गलत मत बोलो। लेकिन गलत मत बोलो। तुमको हार्ट तोड़ना था, मुझे अनसेफ करना था, तुम करते, लेकिन मेरे लिए गलत बुलवाते नहीं लोगों से। तुमने अपने शब्द लोगों के मुंह में डाल के मुझे हर एक से बेइज्जत कराया। अगर
तुझे लगता है अंकिता और पारस कभी भी ठीक होंगे? पारस उसके पास दिमाग है, बेइज्जती करी है उसने, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ ये वो. पारस में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, हीना और अंकिता कभी ठीक नहीं हो सकते पारस के साथ. आई डोंट थिंक सो, उनसे फ्रेंड्स भी रहेगा बाहर कभी. थैंक गॉड ऐसा ही. मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है. उससे जो इंसान इज्जत पे नहीं खड़ा हुआ ये बोल के. अभी जब भी गेम आएगा, जब वो गेम्स आते हैं उसमें पारस के साथ पारस को लेकर ही खेलना पड़ता है. जैसे पेंटिंग वाला गेम आया था, पारस का चेहरा था पारस का, तब तू क्या करे गेम में? तुम्हें तुमने देख लिया, मैं पागल हो जाती हूँ. मैं पूरा अपना 100% पारस को लेकर करेगी ना. हाँ उसमें मेरे को नहीं, गेम की बात आएगी देखो वो तो अलग. बट एंड ऑफ द डे वो इंसान पारस है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ. नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं उसके साथ कोई बॉन्डिंग, वो सामने से आएगा, एक हमारी बात होगी, मैं अपनी बात क्लियर करूँगी, वो अपनी बात क्लियर करेगा, तो एक हो सकती है कि हम एटलीस्ट इतना हो जाए कि दिल से बात निकल जाए. पर अगर बोले कि मैं उसके लिए यहाँ पर आऊँ और सिर्फ उसके लिए उसको वापस से पटाऊँ, कन्विंस करूँ, तो आई एम सॉरी, मैं कोई गिरी पड़ी आई गई लड़की कोई ऐसी नहीं हूँ कि वो है, हम तो कुछ है ही नहीं. कैसे बताऊँ, इतनी देर की बात बता रही हूँ जो कह रही हूँ. बलराज से बात हुई तो मुझे लगा मैच्योर बंदा है, ठीक है, मुझे मैच्योर लड़के पसंद है. तभी तो आपको काम बोल रहे हैं, बोला नहीं है किसी ने पहले मेन काम. नहीं किसी, अभी मेरे हाथ तुम बांधो और बोलो तुम मुझे कि ये एक्स्ट्रा काम है और ये सही काम है ना. अभी फिलहाल ये जरूरत नहीं है करने, जरूरत आपको है ना. दो लो आप फ्राइडे सैटरडे तो फिर क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे यार वो तो करते नहीं हो, एक्स्ट्रास में बैठे रहते हो, लाइफ में एक्स्ट्रा बनकर ही रहोगे तुम लोग दोनों. दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है और मेन हीरो कौन है? दिख रहा है 40 फिल्मों की हीरोइन कौन है, वही दिख रहा है. मेरी बहन की, तुम मेरी बहन की फिल्म में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सिर्फ गाना करके आई हो, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है, स्टार स्टार होता है, वो चाहे कुछ भी तोड़ ले. जो स्पेशल अपीयरेंस देता है ना वो स्पेशल. हाँ हाँ दिख रहा है ना एक्स्ट्रा कौन है. ये घर का काम है, घर का काम करना बहुत ही प्राउड होने की बात होती है. हाँ मेरी बहन को ही पूछा है मैंने, उसने बोला है मुझे पब्लिसिटी सक्कर है, आएगी तेरे से चिटकेगी और तेरा पूरा नाम बर्बाद करेगी, दूर रहना उससे. जब उलवाट लगा, आज नहीं बोली ना तो कभी नहीं बोल पाएगी. तमीज लड़की है बहुत यार. तुम आइटम हो, आइटम अलग होती है, स्टार अलग होती है. आइटम सॉन्ग करती, ठीक है संजना भाई. मैं कोई नाचने वाली नहीं हूँ संजना. नाचने वाली नहीं हूँ मतलब क्या? रॉन्ग लैंग्वेज है. नहीं तुम रॉन्ग, तुम क्या जानती हो? लैंग्वेज रॉन्ग. तुम उड़ता तीर मत लो, तुम उड़ता तीर. वो राइट है. व्हाट इज आइटम, व्हाट इज आइटम, व्हाट इज एक्स्ट्रा, व्हाट इज डांसर, व्हाट इज एक्स्ट्रा, व्हाट इज दैट, व्हाट इज एक्स्ट्रा. डोंट डू दैट ना. फिर वो एक टॉपिक, एक टॉपिक, व्हाटएवर व्हाटएवर. नाचने वाली बोला, नाचने वाली बोला, नाचने वाली बोला. अरे नहीं कुछ लैंग्वेज इज बोला ना. सही लैंग्वेज में लड़ना, कुछ भलते ही टॉपिक पे लड़ रही है. नेगेटिव एनर्जी की दुकान है. देख लो, हाँ हाँ तुम लोग दोनों के वर्ड्स. क्या किया तूने बिग बॉस में जाके बाहर आके हीरोइन बनी? क्यों? क्योंकि तू ऊपर से नीचे नेगेटिव है. मेरे को बनना ही नहीं था. तू तेरे को बनने का, बनने के लिए तुझ में वो क्वालिटी होनी चाहिए ना. नाचने वाली क्या होता है? वही तो मैं बोल रही हूँ. वो क्या टॉपिक है? तुम लड़ो अपने दम पे लड़ो. संडे आ गया ना, सफाई चालू होगी. वही मर जाएगा बट तुझे नहीं बनाएगा हीरोइन. इसीलिए तू वैसी थी, वैसी है, वैसी रहेगी. मेरे को तूने एक्स्ट्रा बुलाया ना. जब काम करना वो काम नहीं करेगी. जब हम काम कर रहे हैं तब भी ये आएगी और बोलेगी तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तुम एक्स्ट्रा हो, और मुंह की खाएगी और मेरे मुंह से बातें सुनेगी और बाद में उसका मुद्दा बनाएगी. खुद अपने आप को जोकर बनाते हो, खुद अपने आप को पागल बनाते हो और बने कोई दूसरा बोले तो तुमको खटकता है. पागलों की संगत में आए तो कहीं ना कहीं थोड़े तो पागल होंगे ना. बट चलो एक्स्ट्रास की संगत में आए तो भगवान ने इतनी अचीवमेंट करा दी है कि एक्स्ट्रास नहीं बनेंगे जिंदगी में. वो दिख जाएगा. हाँ दिख गया है ऑलरेडी, कर लिया है. जो मैंने ऑलरेडी काम किया है वो मुझसे कौन छीनेगा? मैंने थोड़ी छीन ले मेरे अवार्ड्स. देखती हूँ मैं, तू का अवार्ड छीन ले, साइमन अवार्ड छीन ले मेरा. देखती हूँ मैं कौन सा अवार्ड जीता है तुझे. बोल अपने अवार्ड के साथ कॉन्वर्सेशन बाने खुद के कैरेक्टर. अच्छा? में खुद ही बात करते हो जो भी बात करनी है. बाने दूसरा कोई बोलेगा तो बाने खटकते तुम लोगों. हाथ जो जोड़ के बिनती है, जो कहोगे करूंगी. आइटम गर्ल, नाचने वाली नहीं. तो वो एक्स्ट्रा किसको बुला रही है? एक्स्ट्रा काम के लिए बुला रही है लेकिन नहीं, ये इस घर के एक्स्ट्राज हैं. तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे? हाँ अब बात नहीं 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 यार उसको बहुत झेल लिया अभी. बिल्कुल नहीं झेला है. नहीं नहीं मैंने झेल लिया. मेरे लिए यही झेलना होता है.
वो जब से पारस पे भड़की है मेरा टेम्परमेंट उसके साथ जीरो है. मेरे को उसकी कोई इज्जत नहीं है. आइटम मैंने कोई गाली यूज नहीं की. वो हकीकत में जो है मैंने वही कहा. आइटम गर्ल होना क्या गलत है? अच्छा कोई गलत नहीं है मेरी नजरों में. हीरोइन से तो नीचे है. खत्म. नहीं किसने कहा? अच्छा ठीक है तू रहने देना यार. वो नहीं वो इंसाफ का तराजू आएगा थर्सडे. बात इंसाफ की तरह नहीं है. जो मेरे सामने जो गलत होगा संजना अगर आप भी हो मैं आपको बोलूंगी या मैं पहले ही आपको पक्का मत यार. क्या आइटम गर्ल नाचने वाली नहीं बोलोगे संजना? तेरे को मेरे में ही कहानियां दिखती है संजना. फसाद की जड़ तू है. फाइट तूने स्टार्ट की. तूने मुझे रोका बर्तन धोने से. अगर मैं बर्तन धो दूं नहीं अगर मैं बर्तन धो दूं तो भी तू मुझसे लड़ेगी. अगर मैं बर्तन ना धोऊं और फिर मैं आर्गुमेंट में जाऊं तो भी तू मुझसे लड़ेगी. इस तरफ भी कुआं उस तरफ भी घाई मैं करूं तो क्या करूं?